नमस्कार दोस्तों, जयगांव मेयर्स में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग मौजूद हैं जयगांव एक नंबर ग्राम पंचायत के खोखला बस्ती क्षेत्र में, और यहां पे आप सभी को दृश्य साझा करना चाहेंगे। हारखोला नामक एक नदी है जो कि भूटान से निकलते हुए खोखला बस्ती होते हुए जाती है, और मौसम इस समय काफ़ी भारी मौसम है। बारिश के दिनों में इस नदी में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव होता है। वजह यह है दोस्तों कि ये जो पानी जो आप देख रहे हैं, ये जो धारा जो आप देख रहे हैं, ये भूटान से होते हुए फुलचिलिंग के उस तरफ से होते हुए ये जो पानी जो आती है वो साथ साथ में काफ़ी सारे ढेर मिट्टी लेके आती है। इसके वजह से काफ़ी यहाँ पे फ्लड सिचुएशन पैदा हो जाता है दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थानीय लोग काफ़ी चिंतित हैं, और स्थानीय लोग अपने तौर पे यहाँ के जो समाज सेवी हैं, चाहे पंचायत हैं, अपने लोकल तरीके से यहाँ पे कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे टेम्पररी ही कहा जाए। जैसा कि देखा जा सकता है, यहाँ पे कुछ बेम्बूज और मिट्टी की जो बोरियाँ हैं भर भर के यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पररी बांध बनाया गया है। और प्रशासन के तरफ से भी आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे उचित कार्रवाई हो, उचित पहल किया जाए। फिलहाल जैसा कि देखा जा सकता है, हमारे यहाँ पे 1138 अपर खोखला बस्ती के जो पंचायत मेंबर हैं वो खुद स्वयं जेसीबी को ऑपरेट करते हुए यहाँ पे बचाव कार्य में आए हैं, और काफ़ी सारे स्थानीय लोग जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और अपने तरह से जो भी योगदान हो सकता है वो योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे कार्य हो रहा है, और यहाँ पे स्थानीय लोग, स्थानीय जो पंचायत मेंबर हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो सभी मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, फुलचिलिंग जो पासाखा भूटान जो यहाँ पे बगल में है, वहाँ के भी स्थानीय प्रशासन के भी कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे जो वायरिंग लगाया गया था, वायर्स बैरिकेडिंग जो किया गया था, वो नदी के कारण बह चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। तो भूटान के प्रशासन भी के ऑफिशियल्स भी उस तरफ देख रेख कर रहे हैं, ताकि कोई भी इलीगल माइग्रेशन ये बॉर्डर अक्रॉस ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी है और यहाँ के स्थानीय पंचायत है, वो अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बचाव का कार्य किया जा सके। और काफ़ी दिनों से इस तरह का कार्य देखा जा रहा है, जब से यहाँ पे बारिश हो रही है तब से स्थानीय लोग और ग्रामवासी और यहाँ के जो लोकल नेता कह लें, सोशल वर्कर्स कह लें, सभी यहाँ पे आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं इस क्षेत्र को बचाने के लिए। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी खोखला बस्ती के दो पार्ट को डिवाइड करती है, 1137 और 1138। और यहाँ पे इमरजेंसी कार्य इस समय चल रहा है, लेकिन आशा यही है कि कंसर्न अथॉरिटीज़, प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, और बड़े बड़े जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हैं उनके तरफ से पहल हो, और जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ उचित कार्रवाई किया जा सके, ताकि गांव को बचाया जा सके। चलिए आप सभी को विजुअल दिखाते हैं किस तरह से यहाँ कार्य चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कब से ये समस्या है, ये फ्लड लेकर ये एरिया में? नमस्कार, मैं अनुप यहीं का वासी हूँ, और यहाँ का फ्लड लेके बहुत दिन तक, बहुत पहले से ही चालू है, लेकिन अभी दो चार दिन हो गया ये बारिश के मौसम से, हम लोग का यहाँ पर गांव में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। इसलिए अभी हम लोग का ये जो गाँववासी मिल के और हमारा पंचायत मेंबर पवन भी मिल के सब करके ये मशीन लेके हम लोग का यहाँ पर सुविधा दे रहा है।
कभी यहाँ पे बांध उन्द कभी ऐसा कुछ कार्य प्रशासन की तरफ से हुआ, बांध उन्द कभी था यहाँ पे? नहीं नहीं, कभी भी बांध नहीं था। पहले तो ये छोटा नदी था, अभी भूटान से जो बारिश ज्यादा होने से फ्लॉट हो गया, तो इधर बहुत माने अपना खेती वेती सब नुकसान कर रहा है। तो अभी कैसे करके आप लोग कर रहे हैं फंड उन्ड, कैसे करके आप लोग कर रहे हैं फंड? तो अभी तो गवर्नमेंट से तो नहीं हो रहा है, हम लोग का अभी हम लोग का एक ग्रुप है, अभी यूथ है लड़का लोग, और हम लोग का पवनगिर मुक्तन हम लोग का मेंबर है, वो सब मिलके अपना फंड ऐसा कलेक्शन करके हम लोग ये कर रहे हैं अभी। आंटी यो खोला लेरा कहिले दिन समस्या छ तपाईहरु को यहाँ गाउँमा? खोला अब अझै चार महिना जेठ असार साउन भदौ आश्वस्तम आउँछ हाम्रोमा। यो चाहिँ कहिलेदेखि यो समस्या छ यहाँ? बाँधहरू पहिला कहिले थियो यहाँ? बाघ थिएन यहाँ कहिले, अब यो त हामीले नाग्नु नसक्ने हतियार हुन्थ्यो यो खोलामा, खोला के अरे यस्तै थिएन पहिला, अब अहिले चाहिँ कति तिन चार वर्ष भयो यस्तो भएको। यहाँ प्रशासनबाट केही कामहरू हुँदैछ केही बाँधहरूको लागि केही गर्दैछ? हाम्रोमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै आएन बाटाहरू। हाम्रो रामबहादुर भाइ नै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ हाम्रो बाघ सत्ता गयो गयो, यो दौजरले अब जिसिबीले खन्दै लगाए नै मुनि नै छ। आन्टीको नाम? सनमाया राई। निवासी? राई। निवासी चाहिँ घर? मेरो गाउँ त बैरघारी, खोलाको नाम खार खोला, मेरो बैरघारी बैरघारी। नदीको के समस्या छ अलिकति जनाउनु त? नमस्ते, सर्वप्रथम जयगो मेरो चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो यस्तो बिजोक खोलामा तपाईँहरू यहाँ मिडिया रिपोर्ट लिन आउनुभएको, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ समस्या चाहिँ के छ भने, हरेक साल हाम्रो यो समस्या छ, हाम्रो यो जिपी वान खोकला बस्ती चाहिँ एकदम रेजिस्टर, एकदम यो ल्यान्डस्लाइड यो फ्लड हुने एरिया हो, स्पेसली हाम्रो खोकला बस्ती। यसमा तपाईँको चारवटा खोला पर्छ, एउटा गोबरजिती पर्छ, एउटा बाउनी झोडा पर्छ, एउटा खार खोला पर्छ, एउटा गुहे खोला, टोटल चारवटा खोला छ। यो सबै भुटान इन्डो भुटान बोर्डर जुन चाहिँ भुटान छ हाम्रो, यसमा हामी बसोबासो गर्छौँ खोला बस्ती। उहाँ भुटानबाट आएर बगेर आएको पानीले चाहिँ हाम्रो खोला हाम्रो गाउँलाई एकदमै समस्या छ। हरेक साल इरिगेसनले काम गर्छ तर खालि माटो हाल्ने काम मात्रै गर्छ, यो पर्मानेन्ट सोल्युसन कहिले काम भएको छैन। र यसपालि पनि एकदमै साह्रो परेर हामीले मिसिन प्रोभाइड गरेर आएको छौँ। यहाँ पहिला कहिले पनि बाँधहरू केही बनाएको थियो के प्रोटेक्सनहरू के थियो? केही भएको छैन, खालि यो माटोको काम मात्रै छ, माटो उठाएर हाल्ने काम मात्रै भइरहेको छ। त अहिले चाहिँ तपाईँहरू कसरी काम गर्दैछ, फन्डहरू चाहिँ कसरी गर्दैछ तपाईँ? अहिले फन्डहरू केही छैन, अहिले हामी म पञ्चायत मेम्बर लगायत हाम्रो जिपीको प्रधान हामी मिलेर र हाम्रो टिमहरू छ, हाम्रो साथीभाइ दाजुभाइहरू छ, हामी सबैजना गाउँले मिलेर नै यो मिसिन हामीले प्रोभाइड गरेको हौँ हाम्रो गाउँ बचाउनुको लागि। प्रशासनबाट केही हेल्पहरू केही कामहरू हुँदैछ यो फ्लड प्रोटेक्सन? प्रशासनले केही काम पनि गरेको छैन, अब प्रशासनमाथि गयो भने त हाम्रो गाउँ बगाइसक्छ। अब कहिले तपाईँलाई थाहा छ गभर्मेन्टको त अब एकदम रुलमा जानुपर्छ, भोलि पर्सि एक महिना पनि लाग्नु सक्छ, अब यहाँ त इमिडिएटली चाहिन्छ हामीलाई मिसिन। त्यही भएर आज हामीले सानोपूर्ण हाम्रो गाउँले गाउँवासी मिलेर म पञ्चायत मेम्बर लगायत हाम्रो टिमहरू मिलेर हामीले आफैले यो मिसिन प्रोभाइड गरेको यहाँनिर। ग्राम पञ्चायतबाट केही काम हुँदैछ यहाँ? अहिले त्यस्तो त केही भएको छैन, ग्राम पञ्चायतमा अहिले कोरोनाले गर्दा हाम्रो अफिसहरू पनि लकडाउन बन्द छ, लकडाउनले गर्दाखेरि र त्यस्तो अहिले केही फन्डहरू पनि एलर्ट भएको छैन। र अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो सेल्फ हामी आफै मिलेर चाहिँ गाउँवासी र हामी मिलेर चाहिँ हामीले मिसिन प्रोभाइड गरेको हाम्रो गाउँ बचाउनुको निम्ति। यो काम चाहिँ तपाईँहरू कति दिन कहिलेसम्म गर्छ? करिबन हामी 10-15 दिनसम्म राख्छ हामी यो मिसिन यहाँनिर हामी, किनकि यो खोला यस्तो टाइपको छ, पानी माथिबाट बारिस आउँदाखेरि पुरा ठुलो भएर आउँछ, बारिस छैन भने पानी हुँदैन, त्यस्तो टाइपको खोला छ यो, एकदमै डेन्जर, भुटानबाट बगेर आएको हो, पुरा खति गरिसकेको छ हाम्रो गाउँमा हाम्रो बस्तीमा। त्यही भएर हामीले इमर्जेन्सीको लागि ल्याएर मिसिन राखेको। प्रशासनबाट केही उम्मेद केही अपिल गर्नु राख्नु चाहन्छु? हिजो एमएलए साहब आउनु भएको थियो विशाल लामा, हाम्रो जुन चाहिँ कालचिनीबाट हाम्रो बिलङ्स गर्नुहुन्छ उहाँ एमएलए विशाल लामा, उहाँले वचन दिनुभएको छ कि सेन्ट्रलबाट स्टेटबाट डिएमलाई भनेर केही पनि एउटा पर्मानेन्ट सोल्युसन जुन चाहिँ प्रोटेक्सन वालहरू छ पर्मानेन्टको लागि हामी गर्नेछौँ, हामी चिठी गरेको छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ, वार्ड दिनुभएको छ। तपाईँको नाम? म पवनवीर मक्तान, जिपी वान जयगाउँ अन्तर्गत 1138 पार्ट नम्बर पञ्चायत मेम्बर। तो दोस्तों जैसा कि देखा जा रहा है यहाँ पे काफ़ी स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद है, यहाँ के 11x38 के पंचायत मेंबर भी यहाँ मौजूद है, और काफ़ी सारे यहाँ के लोकल समाज सेवी और यहाँ के लोकल निवासी यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में
प्रशासन के तरफ से कभी बांध नहीं बना है, इसके वजह से काफ़ी समस्याएं बारिश के दिन में आती रही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यहां से कुछ दूरी पर कभी एक जाली का बांध हुआ करता था जो कि नदी में किसी समय बह चुका है, लेकिन उसके बाद से इस क्षेत्र में कभी एक स्थायी एक परमानेंट सॉल्यूशन के रूप में कोई बांध नहीं बना है। इसी तरह से हर एक वर्षा में इसी तरह से यहाँ पे बाढ़ आता है और स्थानीय लोग, ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो भी पंचायत मेंबर हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान हैं, अपने स्तर पे ग्राम पंचायत के तरफ से या अपने स्तर पे अपने फंड से या किसी तरह से मैनेज करके इसी तरह से मशीनें लगा कर ये मिट्टी काट कर प्रोटेक्शन के लिए रास्ता बना देते हैं कि नदी बह जाए और यहाँ पे खती ना हो। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों का यही डिमांड है कि यहाँ पे कम से कम स्थायी बांध बने, परमानेंट सॉल्यूशन हो, ताकि यहाँ के जो ज़मीनें हैं, जो यहाँ पे खेती करते हैं लोग, उनको बचाया जा सके और बाढ़ से प्रभावित होने से यहाँ के स्थानीय लोग बच सकें। SHMD school books and stationeries shall be available at Asian Book Distributors at special discount. Visit Asian Book Distributors, ground floor, below Seema Steel, near Reliance Smart Grocery Store, Durga Ridya Mall, NS Road, Jaigaon. Contact +91 9775281398, +97577456946.